अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान है, मेरे चैनल का नाम आई सक्सेस एन है। आज मैं आपको एप लॉक के बारे में बताऊंगा। एप लॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मिसाले फोटो की होती है, वीडियो की होती है, ऑडियो की होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपको क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो आपको किसी से जरूरत नहीं होगी पूछने की, आपको ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि फिर आप उस हिसाब से आप ये सब खुद खोल सकते हो कि वो चीज़ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। स्टेप वन, जैसे मिसाल है आपने यहाँ पर पैटर्न वाला या फिर नंबर वाला पासवर्ड भूल गए होगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर फॉरगेट में जाना पड़ेगा, फॉरगेट पासवर्ड में। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल लिखी होगी आपकी, तो ईमेल लिखने के अब जो लिखी होगी ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा क्योंकि आपने पहले ही आपने ईमेल लगा दी होगी। तो आपने फिर इसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद तो आपको एक कोड आएगा ईमेल पे, आपके ईमेल पे कोड आने के बाद वो आपको कोड उठाना वहाँ से, तो कोड उठाने के बाद उसके ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली इसमें यह वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक मैंने आपको यहाँ पर तरीका बता दूँ, मैंने आपको पहले एक वीडियो दी है उसमें मैंने आपको फॉरगेट का तरीका दिया हुआ, वो मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, कोई इसमें भी दे दूंगा, आपको तरीका पता लग जाएगा कि हाँ ये इसमें आपको वही सेम तरीका है, ये कि फॉरगेट का पासवर्ड तरीका, ये पता लग गया होगा आपको। स्टेप टू, जैसे मिसाल है आपके पास फोटो का कोड हो या फिर वीडियो का कोड हो या ऑडियो का कोड हो या फिर अपने ऐप्स का कोड हो, तो वो आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर आप जैसे फाइल मैनेजर में हो या फिर आपको इस समय ऐप लॉक में हो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेरे को कोड किस काम का होता है, किस काम का नहीं होता। यहाँ पर आपको मैं वही तरीका दिखा रहा हूँ। फिर आपको मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, मैं आपको करप्टिव फाइल का तरीका बताऊँगा। फिर जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको पता लग जाएगा, सिर्फ एक बताऊँगा आपको खुद ही ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जैसे मिसाल है ये आपको डॉट लिखा हुआ है, ये डॉट लाजमी लगाना है इसके, ये तो आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा दो, यहाँ पर नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, और इधर आपको डॉट के साथ JPG, तो ये है इमेज का कोड, ऐसी ना वीडियो का कोड है, ऐसी फाइल का कोड है, ऐसी कोई चीज़ का कोड है, तो यही चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर सिर्फ यही आपको कोड का ही समझना होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो MP4 का इसम वीडियो का कोड होता है और ऑडियो का दो तीन किस्म का कोड होता है, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये भी ऑडियो का कोड है और दो तीन MP3 भी कहते हैं, ज़्यादातर MP3 लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये PDF का भी तरीका है, PDF का तरीका ये है, तो इसका मतलब अगर कोई आपकी फाइल करप्ट हो गई है, कोई चीज़ आपकी करप्ट हो गई है, तो ये PDF का कोड है, मैं आपको ये भी तरीका आपको बता दिया। और दूसरा ऐप्स का कोड, ये आपके सामने लिखा हुआ ऐप्स का यही कोड है, जैसे मैंने ये आपके सामने देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, तो एक के तरीका हो गया है, मैं आपको बता। ये दोनों चीज़ इसलिए दी जाती है, जैसे कोई बूस्ट होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से ये हमको ये देते हैं, क्योंकि ये गर्म होकर कोई डेटा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वायरस ना हो, तो ये चीज़ के लिए इसलिए देते हैं ये बूस्ट। अब आपको मैं लेके जाऊंगा करप्टिव फाइल पे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक करप्टिव फाइल दिखाऊंगा वीडियो की, तो आपको ऑटोमेटिकली वही आप तरीका करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे को यही करना है तरीका। तो ऐसे ही इमेज का तरीका है, ऐसे ही सबका तरीका जो आपको मैंने दिखाया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में आपको दिखा दूंगा, ये प्लस फाइल मैनेजर है और ये मैनेज है, मैं आपको यहाँ पर तरीका दिखाया। फिर यहाँ पर आपको ये दिखा हुआ यूज लिखा हुआ है, यूज, तो यहाँ पर आपको सब ये चीज़ें आप देखनी पड़ेगी। पहले मेन स्टोरेज के बारे में था, कितना डेटा रखा हुआ, और दूसरे में लिखा हुआ लास्ट फाइल, और क्लियर डेटा भी लिखा हुआ आपको सबने, और ये सब कोई भी क्लियर डेटा मतलब फाइल कोई भी होगी आपकी, एक्स्ट्रा फाइल होगी वो चीज़ होती है, मगर उससे पहले डिलीट करने से पहले अपना डेटा कार्ड में रख लेना, क्योंकि आपको कभी ऐसा हो कि प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से मैं आपको पहले बता दूँ कि कभी कभार ऐसा है कि डेटा आपको उड़ा देगा या इमेज का कुछ भी उड़ा सकता है, जैसे मिसाल आपको फोटो का डेटा बता रहा है इतना है, तो ये आपको उड़ा भी सकता है, इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। और जैसे सेकंड पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, अब मैं एक कोई वीडियो उठाऊँगा आपको, इसे ये पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ इस वीडियो की लोकेशन यहाँ पर है, और इस दूसरे की वीडियो की लोकेशन ये सारी यहाँ पर है, आपको दिखा रहा है यू कट में मैंने आपको दिखा दिया, और जैसे मिसाल है इसकी भी लोकेशन आपको दिखा रहा है कहाँ पर है, किधर कहाँ पर किधर पड़े हुए डेटा है। अब ये आपको मैं क्यों दिखाया, इसी वजह से दिखाया क्योंकि कुछ फाइल होती है ये यहाँ पर से ओपन हो जाती है, जैसे मिसाल है अब यहाँ पर मैं आपको ओपन करूँ। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ बोल रहा है कि आपकी टेक्स्ट फाइल है
यह इमेज फाइल है, यह ऑडियो फाइल है, यह वीडियो फाइल है, या ओदर फाइल है। ओदर फाइल का मतलब जैसे कुछ भी हो, जैसे मिसाल यहाँ पर कुछ भी आपको देंगे सारे, उस हिसाब से होगी पी एच पी की हो या कुछ भी हो, कोई डेटा हो, वो चीज़ की आपको दिखाएंगे। अब हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम तो ये सोच हमारे पास हिसाब से तो ये फिर वीडियो फाइल है, तो हम वीडियो फाइल के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब शो दिखा देगा। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। अब मैं यहाँ पर अब इसका कोड दिखा देता हूँ आपको। अब मैं इसका कोड आपको क्लिक करके मैं कॉपी करके मैं वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल है यहाँ से आप कॉपी करना लाजमी है, मगर आपको मिसाल है कभी ऐसा होगा कि आपका ना वो एप्लाक से डिलीट हो जाएगा आपका डेटा, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से कॉपी करना। अच्छा, अब ये सिर्फ सिंपल तरीके से आपको ये दिख रहा है। अब इसमें ना कुछ लिखा हुआ है, MP4 नहीं लिखा हुआ, ना कुछ लिखा हुआ है तो नहीं है। तो आप इसको सिर्फ दबा के रखना। अब दबाने के बाद यहाँ पर आप इसको नाम चेंज कर देना। जैसे मैं नाम चेंज करो या फिर कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या फिर आप सिर्फ सिंपल तरीके से इसको कोड डाल देना। जैसे मिसाल है यहाँ पर एक डॉट, यहाँ डॉट डाला, फिर इसके बाद मैंने MP4 लिख दिया। बस MP4 लिखने के बाद मैं सिलेक्ट कर दिया। तो ये सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जो मेरी फाइल थी वो जैसे थी मेरे को वैसी चाहिए थी वो वैसे मिल गई मुझे। अब मिसाल इसमें आपको जैसे कोई सी भी जैसे मैक्स प्लेयर में चलाना हो, ये वीडियो जो चलाना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी हो, XYZ ये उसमें ये काम दिखाएगा आपको। ऐसी सारी फाइलें होती हैं, सिर्फ ये कोड देखना पड़ता है, ये कैसा कोड होता है कि भाई आपको कौन सा MP4 का चाहिए या MP3 का चाहिए या फिर कोई भी हो PDF का कोड चाहिए। हर किसी का एक कोड होता है, जनरेट होता है, तो वो कोड आपको दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको वो कोड भी दिखा देता हूँ। मिसाल है यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक PDF का कोड भी है, वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मिसाल है कोड PDF का कोड मैंने पहले भी दिखाया, ये देखो टैक्स का कोड भी है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो आपको कोई भी फाइल करप्ट होगी वो चीज़ का आपको ये सही करके दिखाएगा। अब इसका कोड देखो, ये एक्स फाइल होती है तो इसकी भी कोड है, हर किसी का एक कोड होता है, जनरेट होता है, तो वो आप वो चीज़ देखने पड़ती है। आपको कभी भी ऐसा हो कि उसका कोड मालूम हो जाए तो आप ये सब खोल सकते हो, हर चीज़ खोल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ये तरीका भी आपको बता दिया। ये मिसाल है आपके पास एप्लाक डिलीट हो गया है तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मिसाल आपको एक चीज़ तो है कि आपको फाइल मैनेजर से बैकअप करना पड़ेगा। मैंने पहले से बैकअप कर दिया है फाइल मैनेजर से, या फिर आपको प्ले स्टोर से उठाना पड़ेगा, या फिर आपको जैसे मिसाल है मैं आपको एक तरीका दिखा दूँ, यह मैंने इंस्टॉल कर दिया है, या फिर आपको ये सब जैसे यहाँ पर मेन में स्टोरेज में जाना, मेन स्टोरेज में जाने के बाद यूज़ में जाना, यूज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये लास्ट फाइल देखिए, लास्ट फाइल में आपका जो भी डेटा होगा वीडियो फाइल का डेटा, याद रखना ये लास्ट फाइल में वीडियो फाइल का डेटा दिखेगा और कोई डेटा नहीं दिखेगा। और दूसरा तरीका ये है कि उसके अंदर आपको एक कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वो आपको दूसरे तरीके से दिखाएंगे, मगर ये है बहुत प्रोसेस लंबा। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका मैं लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। एक तो मैंने फॉरगेट वाला तरीका बताया जो ईमेल के जरिए से, वो भी नहीं आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप कर लेना या आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये इसको मैं आपके सामने इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर इसको सेटिंग अगर फाइल मैनेजर से डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेटिंग मांगेगा, आप वो डायरेक्ट कर लेना। जैसे मिसाल है यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो तो ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंसिल कर दो उसको, यहाँ पर ओपन भी ही कर सकते हैं आप। जैसे मिसाल है मैं आपको नया कोड दे रहा हूँ, आपका डाटा वहीं का वहीं होगा, सेफ होगा, वो आपका तरीका दिखा रहा हूँ। ये है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको देखना पड़ता है। तो ये मिसाल है यहाँ पर अब आपको मैं वीडियो को डेटा दिखाता हूँ या कोई भी डेटा हो दिखाता हूँ तो वो भी प्रॉब्लम हो वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो मिसाल है आपके सामने ये एक डेटा ये रह गया, देखो यहाँ पर जो मेरे पास था तस्वीरों का और
इमेजों का और आपको वीडियो का भी है, मैंने वो दिखाया था आपको जो ये चारों वीडियो हैं इसके अंदर। अच्छा, और ये मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या क्या के क्या प्रॉब्लम आई मुझे, अब यहाँ पर मुझे क्या प्रॉब्लम आई कि मेरा ऑडियो डेटा मेरे पास नहीं है। अब मैं ऑडियो डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने रखा हुआ कहाँ पर था, कार्ड में रखा हुआ था, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अगर मैं मोबाइल की स्टोरेज में रखता तो यहाँ पर आपको मिल जाता तो डेटा, अगर मैं इसको कॉपी करके रख देता मोबाइल की स्टोरेज में तो मिल जाता। मगर ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इमेज होगी तो ऑटोमेटिक वो कॉपी कर लेगा, क्योंकि वो आपको कार्ड में भी होगी और आपके मोबाइल में भी होंगी, तो इसमें दो जगह होती हैं। तो आप ये याद रखना कि अगर कार्ड में आपने रखनी है तो कार्ड में आपको एक दूसरा तरीका, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और दूसरा एक तरीका जैसे मिसाल एपलॉग में रखनी है तो आपको वो तरीका भी देखना पड़ेगा, जिसमें वो आपको सो कॉपी करके या फिर आपको मूव करके आप उसमें रख सकते हो कि जैसे मेन स्टोरेज में, वो भी आपको मैं यहीं पर ही दिखा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ये आपको मैंने यहाँ पर कि आपको डेटा दिखा दिया है यहाँ पर आपका सारा। अब मैं यहाँ पर आपको जो मैंने चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी आप डेटा रख सकते हो, वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपको देखना पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर ये भी कर देता हूँ, अगर आपका मिसाल है डेटा यहाँ से आपने कॉपी कर लिया तो आप एपलॉग में रख सकते हो, अगर मिसाल है यहाँ से आपने कॉपी नहीं करा तो आपके यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना कि कभी भी अगर कॉपी करना है तो आपको एपलॉग के ज़रिए से नहीं करना, आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर कॉपी करके एक फोल्डर बना के फिर आपको सब मूव करना है डेटा, कोई भी डेटा मूव होना, कार्ड के ज़रिए से मूव करो या फिर आपको यहाँ पर मूव करो। अब मैं आपको यहाँ पर ज़रिए से आपको दिखा देता हूँ, कोई भी डेटा आपको अगर रखना हो एंड्राइड फाइल में तो आप रख सकते हो, कोई आपको दिखेगा किसी को नहीं, मगर सिर्फ आपको एक जगह दिखाएगा। मैं आपको वो भी तरीका दिखा देता हूँ कहाँ पर दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेटा रखा हुआ है आपको अपने लिए, जो कोई भी आप एक फोल्डर बना के रख देना यहाँ पर, एक याद रखना कोई भी आप न्यू फोल्डर बनाना तो आप यहाँ पर से रख देना, कोई भी काम होगा, कोई भी चीज़ होगी आपकी चीज़, कोई भी डेटा रखना होगा तो आप यहाँ भी रख सकते हो। अगर मिसाल है किसी को एपलॉग में नहीं रखना होता है तो वो भी आप यहाँ रख सकते हो। आपको ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अच्छा, आपको एक ही चीज़ मैंने बोला था ना, यूज़ फाइल में आपको दिखाऊंगा, देखो ये मिसाल है ये यूज़ फाइल है, तो मैंने यूज़ फाइल में आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं कि डेटा यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, मगर कोई भी आपका डेटा होगा यहाँ पर दिखा देगा, और अगर एक कोई भी आपकी जिस कोई भी फाइल बड़ी होगी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देगा एक्स वाई जेड, कोई भी डेटा होगा आपका, क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा लिखी गई वो भी दिखा देगा। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर इसलिए यहाँ पर मैं क्लियर इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि ये फाइल मैनेजर इतना बेस्ट है, आपको सारी चीज़ें आपको एक एक ज़र्रा बराबर दिखा देगा कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, घंटी का बटन दबा देना, आने वाले वक्त में मैं नई नई वीडियो देता रहता हूँ, वो आप वो देख लेना। मिसाल है आपके पास एपलॉग डिलीट हो चुका है, ये लास्ट आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कोड आपको बताए थे वो उसका कोड का मैं आपको फाइल मैनेजर में दिखाना चाहता हूँ कि फाइल मैनेजर कौन सा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो मेरे पास फाइल मैनेजर है, एक ये फाइल मैनेजर है, एक ये फाइल मैनेजर है। आपको ये पहले मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था, अब इसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपको कौन सा इंस्टॉल करना पड़ेगा ये आपको नाम दिखा दिए, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये EX है, ये फाइल मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल मैनेजर डाउनलोड करने के बाद आपको तीन डॉट में जाना पड़ेगा, तीन डॉट पे सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फोल्डर लिखा होगा फोल्डर में जाना पड़ेगा, फोल्डर में आपको सिर्फ दो ऑप्शन खोलने पड़ेंगे, एक साइज़ का जो एक है जिसम हाइट का, तो ये दोनों ऑप्शन खोलेंगे तो फिर आपको उसमें फाइल ऑटोमेटिक आपकी डिटेक्ट करेगा, वो खोल देगा। अब कैसे खोलेगा, इंटरनल आपको जाना पड़ेगा, इंटरनल में जाने के बाद आपको सिर्फ इस फाइल में जाना पड़ेगा, एपलॉग की फाइल होती है ये, आपको दिखाने के लिए मैंने ये सिर्फ आपको दिखाया है कि इसमें कितना डेटा रखा हुआ है, ये चीज़ आपको ये यहाँ पर बता रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये देखो मिसाल है, ये अब मेरे को कौन सी फाइल दिखा रहा है, इसमें कौन सा डेटा रखा हुआ है, ये वो चीज़ आपको बता रहा है। अब इसमें ये मेरे को बता रहा है इमेज की फाइल है, तो इमेज का आपको डेटा दिखा रहा है। अब मिसाल इमेज का मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करने के बाद
इसको लेके जाता हूँ, वो जो मेरा पहला वाला फायर मैनेजर था उसमें लेके जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत आपको इजी तरीके की, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट में लेके गया, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करा मैंने, फिर यहाँ से मैंने आपको इसको यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब ये मिसाल बिन फाइल बना रहा, तो ये बिन फाइल के मतलब इसका मतलब ये होता है, ये रिक्वर्स फाइल होती है, तो इसका बिन साइकिल में पड़ा होता है डेटा, तो इसका मतलब ये चीज़ होती है, बिन फाइल का मतलब होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करोगे, इसको किसका नाम चेंज करना है, बिन फाइल का नाम चेंज करना है। बिन फाइल का मतलब जैसे बिन को नाम चेंज करोगे, डॉट को नहीं हटाना, डॉट के मतलब फिर आप बोलोगे भैया मेरा ये फाइल नहीं बनी, ये चीज़ नहीं हुई, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डॉट के अलावा आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको पता ये इमेज है, तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, इमेज का जो JPG ये लिखना पड़ेगा, JPG लिखने के बाद आप ओके कर दो। ये आपकी वैसे जैसे आपको मोबाइल में भी दिखाएगी, हर जगह दिखाएगी आपको फाइल, ये आपको ये तरीका एक ही दिखा दिया। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, सिर्फ इसमें वहीं पे लेके जाऊंगा आपको सिंपल तरीके से। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको दूंगा, आपको खुद ही अब डेटा देखना पड़ेगा खुद ही। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक दिखा दिया, अब सारा आपको खुद देखना पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता दूंगा कौन कौन सा डेटा, इसमें भी देखो डेटा है। अब ये कौन सा डेटा बता रहा है, ये फाइल में फाइल का डेटा बता रहा है, कोई भी फाइल हो, PDF फाइल हो, कुछ भी हो। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पर ये इमेज का डेटा बता रहा है, इधर कुछ और दिखा रहा है। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने चाहता हूँ, वीडियो का डेटा मैं वो इधर को यहाँ पर भी एक वीडियो का फाइल दिखा रहा है, मगर मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बड़ी वीडियो का डेटा सिर्फ शॉर्टकट में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये वाली जो मैंने आपको पहली भी फाइल आपको दिखाई है, वही फाइल मैं आपको यहाँ पर डिटेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करा, डायरेक्ट शेयर करा, शेयर करने के बाद मैं फाइल मैनेजर में गया, और वहाँ पर मैं जिस फोल्डर में को रखना है वो आपको मैंने दिखाना है, ये इस फोल्डर में रखा, और वैसे ही सेम तरीका यही है। अब ये सब ऑडियो फाइल बना, जिस तरह का बना हुआ ऑडियो फाइल है, रिकॉर्डिंग फाइल बनी हुई है। अब मिसाल है एप्स को क्या करना पड़ेगा, वापस वही तरीका करना पड़ेगा। यहाँ डॉट मैंने हटा दिया, देखो गलती कर दी थी। अब मैं आपको यहाँ पर MP4 लिखना पड़ेगा मुझे, ये मेरे को आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो आपको यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। अब ये मैंने वही फाइल आपको यहाँ पर दिखा दी, जो मैंने वहाँ पर भी कॉपी करी थी और यहाँ पर भी कॉपी करी थी। अब यही तरीका है, अगर आप कॉपी करके सेंड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही है। वैसे कॉपी करके लाजमी करना, क्योंकि अगर आपका डेटा अगर मिसाल है वहाँ पर डुप्लीकेट तो हो जाता है, मगर ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि अगर कभी आपका डेटा कभी वहाँ से डिलीट हो जाए और यहाँ से भी डिलीट हो जाए तो फिर आप परेशान हो जाओगे, कहाँ गया मेरा डेटा। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ये पूरा एपलॉग का तरीका मैंने बता दिया। अब कोई भी तरीका ऐसा है नहीं जो मैं आपको बता सकता, मैंने कोड का भी तरीका बता दिया, हर चीज़ बता दी आपको, भी डिलीट का भी बता दिया जो एपलॉग डिलीट करने